अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान नसीब महमूद और आप देख रहे हैं वतन मिला। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता चलूं कि मेरे चैनल पर जो 4000 घंटे का जो वॉच टाइम था वो और 1000 जो सब्सक्राइबर का टारगेट था वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो चुका है और मैं इंतहाई खुश हूँ। खुश भी क्यों ना हो, इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद आज जो है वो मेरे चैनल पर जो है वो 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। जो सब्सक्राइबर का जो टारगेट था वो तकरीबन 1 हफ्ता पहले कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जो वॉच टाइम था वो कल शाम यानी मंगल की शाम को कंप्लीट हो चुका था। उसी बात मनाना चाहिए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो जी, सुबह उठूँगा तो फिर जो है वो वीडियो को अपलोड करूँगा बना के। तो अभी मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा बिजी था तो ये जा नहीं सका, तो यहीं पर घर पर हूँ तो यहीं से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। साथ में जो हमारा ये इलाका लंडा है इसकी भी सैर करूँगा, तो आप मेरे पीछे ये खूबसूरती देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इलाका है ये, तो इसकी हम आपको जो सैर भी कराएंगे, साथ में आप लोगों को यहाँ इस इलाके की खूबसूरती भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं वीडियो के एंड पर, तो मुझे दीजिएगा अभी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये फूफो की कोठी है माशाल्लाह से, इसकी भी वीडियो हम बहुत जल्द वो अपलोड करेंगे। लेकिन अभी शार्ट सा कैमरा हम मार रहे हैं इस पर, फुल वीडियो हम जो है वो इसकी बाद में अपलोड करेंगे। तो ये है हमारा इलाका लांडा, वो जो पार आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो कठाड़ है। तहसील ददयाल की एक यूनियन कौंसल कठार, मेन तहसील की जो यूनियन कौंसल है ना, ये मेन यूनियन कौंसल है, बड़ी यूनियन कौंसल कठार। बेशुमार और भी यूनियन कौंसल हैं तहसील ददयाल की, लेकिन ये जो कठार की मेन यूनियन कौंसल कठार है, कठार की खूबसूरत एरिया के हम आपको इस वक्त विजिट करा रहे हैं। यहाँ पर भी जो व्यू कुछ ख़ास नहीं है, धूप अभी तकरीबन निकल रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन कोई ख़ास जी नहीं, क्योंकि एक तो महकमा मौसम ने बताया था कि हो सकता है कि बारिश हो, लेकिन अभी यहाँ पर तो सुबह को कुछ जो कतरे गिरे थे बारिश के चंद, लेकिन कतरा कतरे से दरिया बनता है, दरिया से फिर समुंदर, तो देखते हैं कि कितनी बारिश होगी आज। मैं मौसम ने कहा कि खूब बारिश होगी। यहाँ पर ना फसल तकरीबन काश्त की गई थी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से अभी नहीं हुई। यहाँ तो वो कुछ व्यू आ रहा है यहाँ से, हो सकता है कि चंद दिनों में हम ड्रोन कैमरा ले लें जब इस्लामाबाद का विजिट करेंगे। अब कि जो यहाँ से अच्छा खासा व्यू आ रहा है ना, वो उसी से जो वो कवरेज करूँ, लेकिन यहाँ पर जो व्यू इतना खास नहीं आ रहा क्योंकि धूप नहीं है, तो धूप ना होने की वजह से जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। जितना कि सकते हैं इस बार जो तकरीबन बादल है ये सारा है, कोई धूप आई को नहीं, जो सही करी व्यू अच्छा भी माशाल्लाह व्यू तो सही ना इस ये बूंदी दा धूप भी उधर बनाए तो वीडियो जो वो अपलोड कर रहा, इस बार धुंध ही बहुत ज़्यादा है, व्यू सही नहीं ना, धुंध जी खास नहीं, लेकिन फिर व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करनी, क्योंकि एक टाइम जो बादल छाए हुए आसमान पर धूप आई को नहीं, धूप आया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू ना इस करके, खास कर कोशिश कर सकते तकरीबन और 10-15 दाड़े ने अंदर जो
और ड्रोन कैमरे नाल जाओ इस एरिया का व्यू तुसें दसा सकता है। बड़ी खूबसूरत एरिया है ये, अगर जल्द थोड़ा सा और अगर जो खूबसूरत एरिया उसी कवरेज करने है तो फिर वीडियो की एंड कर सकते। चलते हैं इस एरिया में और आप लोगों को यहाँ से इसी शेर के सैर कराते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत एरिया, लेकिन जो वो धूप नहीं है ना तो इस वजह से व्यू जो वो खास नहीं आ रहा। व्यूअर्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से और वीडियो को लाइक करने से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो नेक्स्ट हम कल से इंशाल्लाह ब्लॉग अच्छे से बनाएंगे, लेकिन आज घर में थोड़ी सी मसरूफियत थी तो कहीं जा नहीं सका, तो इसलिए अपने इलाके की खूबसूरती सोचा के दिखा दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कल मुलाकात होगी, तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।